बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान जॉब जी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जामशेरों पावर कंपनी लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। दोस्तों, जामशेरों पावर कंपनी लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं, मुलाजमत के मौके हैं। इसमें सबसे पहले पोस्ट है फाइनेंस मैनेजर की है, इसमें मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टेड अकाउंटेंट्स या फिर एमकॉम या फिर एमबीए 12 साल के एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसकी पोस्ट एक ही है, 45 साल एज हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एमएससी फिजिक्स या फिर एमए स्टैटिक्स मैथ इकोनॉमिक्स एमकॉम एमएससी यानी कि 16 ईयर एजुकेशन की बेस पे है और 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ है। इसकी भी पोस्ट एक है और 45 साल एज ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड, ये बैचलर डिग्री 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ या फिर मास्टर डिग्री 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ या फिर पीएचडी डिग्री इन एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इसकी भी पोस्ट एक ही है और ज़्यादा से ज़्यादा एज 55 साल हो। उसके बाद डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में, ये भी मास्टर डिग्री एम कॉम या एम बी ए बेस पे है, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, एक ही पोस्ट है, 40 साल उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद सीनियर इंजीनियर है केमिकल, ये बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग में है, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, एक ही सीट है और एज 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उससे आगे है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, ये एम कॉम एम बी ए विद 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ है या बी कॉम 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इसमें 2 सीटें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एज 33 साल। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर, इसमें एमएससी फिजिक्स स्टैटिक्स मैथ या एमए मास्टर डिग्री पे है और इसमें 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, 2 सीटें हैं इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा एज 33 साल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, ये बीई या बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीज़न और 2 साल के एक्सपीरियंस साथ और कंप्यूटर चलाना जानता हो, इसकी भी 2 सीटें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एज 30 साल हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर है मैकेनिकल, ये भी बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न के साथ और कंप्यूटर जानता हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, इसकी भी 2 सीटें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एज 30 साल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर है, ये भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीज़न और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंप्यूटर जानता हो और 2 सीटें हैं इसकी, 30 साल ज़्यादा ज़्यादा एज। उसके बाद जूनियर इंजीनियर है केमिकल, ये भी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग या एमएससी केमिस्ट्री या केमिकल टेक्नोलॉजी इन फर्स्ट डिवीज़न और इसमें 2 साल के एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर जानता और 2 सीटें हैं और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा एज हो। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर है एम कॉम या एम बी ए बेस पे है या बी कॉम बेस पे, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, कंप्यूटर जानता हो, 2 सीटें हैं और इसमें सिंध है अर्बन की 30 है साल ज़्यादा ज़्यादा एज हो और रूलर के लिए 33 साल ज़्यादा ज़्यादा एज हो। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, अपनी सीवी, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सीएनएसई वर्क एक्सपीरियंस और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आप लोगों ने विद इन 15 डेज के अंदर इस एड्रेस पर पहुँचानी है। उसके बाद आप लोगों ने इस एड्रेस पर पहुंचानी है। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। इसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल करनी है इंटरव्यू के लिए और ट्रैवल अलाउंस उन्होंने कहा नहीं दिया जाएगा। मज़ीद अगर आप लोगों को अप्लाई करने में किसी भी किस्म का मसला हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में रब्ता करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।